نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد وثناء کے بعد عزیزان گرامی قدر آج کا خطاب جمعہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب کا تسلسل ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے اس عنوان پر خطاب کیا تھا مراتب توحید اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بدھ سورہ اخلاص کی روشنی میں. اس سے پہلا خطاب عید الاضحیٰ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قلب سلیم پر ہوا تھا. اور ہم نے بتایا تھا کہ اس کائنات میں دو طرح کے انسان ہیں اور ہوں گے. بعض وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے قلب سلیم دیا, the sound heart, اور جو قلب غیر سلیم کے مالک ہوئے, قلب غیر سلیم کے حامل ہوئے, the unsound heart. پھر قلب سلیم کی علامات ہیں, نشانیاں ہیں جن سے قلب سلیم کو پہچانا جاتا ہے. اسی طرح قلب غیر سلیم کی بھی علامات اور نشانیاں ہیں جن سے قلب غیر سلیم کو پہچانا جاتا ہے. قلب سلیم کی علامات میں سے اور نشانیوں میں سے ایک توحید اور اللہ کی معرفت بھی ہے. جو انسان اللہ جل مجدہو کی توحید کا قائل ہے, جس کا دل اللہ کی معرفت اور پہچان سے روشن ہے, وہ یقیناً قلب سلیم کا مالک ہے اور قلب سلیم کا حامل ہے. اور وہ انسان جس کا دل توحید اور نور توحید سے اور اللہ کی معرفت سے اور اللہ کی پہچان سے خالی ہے, اس کا دل یقیناً قلب غیر سلیم ہے, اس کا دل غیر سلیم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں انبیاء میں سے ہوئے, اللہ کے محبوبوں میں سے ہوئے, اللہ کے دوستوں میں سے ہوئے, دونوں اللہ کے پیارے ہوئے, اور دونوں کا قلب قلب سلیم ہوا. اللہ پاک نے دونوں کو قلب سلیم عطا کیا.
और कल्ब सलीम की तमाम अलामात और कल्ब सलीम की तमाम निशानियां सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके अजीम बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के दिल में मौजूद है। उन दोनों का दिल तौहीद से और तौहीद की रोशनी से रोशन है। मैंने सूरह इख़लास की रोशनी में तौहीद के चार मरातिब और मदारिज बताए थे और ये बताया था कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद के सबसे आला दर्जे पर है और तौहीद के सबसे आला मुकाम पर फाइज है। आपका मर्तबा तौहीद और मर्तबा मारिफत इलाही सबसे बुलंद है और बुलंद दर है, आला है और आला तरीन है। आज मैं आपके सामने अल्लामा राजी अलैहि रहमतुल बारी की तफसीर तफसीर अल कबीर से सूरह इख़लास शान नुज़ूल बयान करूंगा और उससे ये फायदा हासिल होगा कि जो हमारा खिताब है पिछले जुम्मतुल मुबारक का वो और ज्यादा वाज हो जाएगा और ज्यादा रोशन हो जाएगा और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा तौहीद और उनकी मारिफत इलाही को जानना और ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने बताया कि कुरान करीम फुरकान हमीद की अलहम से लेकर वन्नास तक मुख्तलिफ सूरतों का शान नजूल होता है। रीजन फॉर द रेवलेशन, मुख्तलिफ आयात का शान नजूल होता है। सो इसी तरह सूरह इख़लास के भी शान बाज़ सूरतें वो होती हैं कि उसका शान नजूल यानी रीजन फॉर द रेवलेशन एक होता है और बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि उसका शान नजूल एक से ज़ायद होता है। सूरह इख़लास उन सूरतों में से है जिनका शान नजूल एक से ज़ायद है। मुख्तलिफ उलमा ने और मुफस्सिरीन ने सूरह इख़लास के मुख्तलिफ शान नजूल बयान किए हैं। मैं उनमें से तफसीर कबीर के हवाले से दो आपको बताता हूं ताकि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद का मर्तबा और मरहला आपके लिए ज्यादा रोशन और वाज़े हो और उनके मर्तबे तौहीद को समझना आपके लिए सबसे आसान तर हो जाए। अल्लामा ने लिखा असानी अन्नहा नज़लत बेसबब सवाल यहूद कि ये सूरत सूरह इख़लास यहूद के एक सवाल के सबब से नाजिल हुई। यहूद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया और अल्लाह पाक ने उसके जवाब में पूरी सूरत सूरह इख़लास उतारी और इससे हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाम आप समझें। सवाल महबूब से होता है, जवाब मुहिब देता है। पूछा महबूब से जाता है लेकिन उसका जवाब मुहिब अल्लाह देता है। सवाल मुस्तफा से हुआ लेकिन जवाब मुस्तफा के रब ने दिया, मौलाए मुस्तफा ने दिया।
और ये भी वाजे हो जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से जब सवाल पूछा जाता है, चाहे वो एतिकादी सवाल हो चाहे वो आमली सवाल हो, और हुजूर जो जवाब देते हैं तो वो जवाब अल्लाह की वही होती है, चाहे वो वही मतलू कुरान की शक्ल में हो, फिर वही गलू हदीस की शक्ल में हो। हुजूर का जवाब या तो कुरान से होता है या फिर हदीस से होता है। रवा इकरमतु अन इब्न अब्बास, हजरत इकरमा ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत किया, अन यहूदा जाउ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माहुम काब इब्न अशरफ, कि यहूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल की तरफ आए, और यहूद में काब बिन अशरफ भी था। फकालू या मुहम्मद हाजल्लाहु खलक, यहूद ने पूछा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, ये कायनात अल्लाह ने पैदा की है, ये मौजूदात अल्लाह ने पैदा किए हैं। फमन खलक अल्लाह, सो पूछना यह है, सवाल यह है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। वो नादान थे, और नादान का सवाल उमूमन नादानी पर और जहालत पर मबनी होता है। जब उन्होंने सवाल किया फगदिब नबीयुल्लाह अलैहि सलाम, और हुजूर सलाम ने यह सवाल सुना, यह नामुनासिब सवाल था, यह अल्लाह जल्ल मजदहू की शान के मुनाक, तो हुजूर सलाम जलाल में आए, गजबनाक हुए, नाराज हुए। फनजला जिब्रील, जब हुजूर नाराज हुए तो जिब्रील उतरे, जिब्रील बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। फसक का नहू, और जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी, तस्कीन दी, और हुजूर अलैहिस्सलाम को फरमाया वकाल इख्फत जनाहक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी रहमत का बाजू, अपनी शफकत का बाजू, अपने इफ्तिखार और वकार का बाजू इनके लिए झुका दें, ये साइल हैं, इन्होंने सवाल किया है। यहां एक खास नुक्ता है, वो ये है कि जब हुजूर नाराज होते हैं तो हुजूर को तसल्ली देने के लिए, हुजूर को तस्कीन देने के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की गजब की कैफियत को खत्म करने के लिए और हुजूर को फिर खुश करने के लिए जिब्रील आसमान से उतरा करते हैं, इसलिए कि हुजूर का नाराज हो जाना किसी आम इंसान का नाराज होना नहीं है, किसी आम बशर का नाराज होना नहीं है, हुजूर का नाराज हो जाना बराए रास अल्लाह का नाराज होना है, हुजूर का नाखुश हो जाना बराए रास अल्लाह का नाखुश हो जाना है। इसलिए फनजरा जिब्रील, जिब्रील उतरे, फसक का नहू, और हुजूर सलाम को तस्कीन दी, हुजूर सलाम के गजब की आग जो बड़क उठी थी उन नादानों के सवालों से, उस आग को बुझाया। फनजल कुल हुवल्लाहु अहद, एक तरफ जिब्रील उतरे हुजूर की तस्कीन के लिए, और एक तरफ अल्लाह पाक ने हुजूर की तस्कीन के लिए, हुजूर की तसल्ली के लिए पूरी सूरह इखलास उतार दी है।
तो सूरह इखलास हकीकत में एक सवाल का जवाब है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। फलम्मा तलाहु अलैहिम, जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो जो यहूद आए थे हुजूर से सवाल करने, जिन्होंने ये सवाल किया, हाज़ अल्लाह खलकल खलका फमन खलक अल्लाह, कि मखलूक़ ने पैदा की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बता कि अल्लाह को किसने पैदा किया, माज़ अल्लाह। इस सवाल के जवाब में पूरी सूरत नाजिल हुई, पूरी सूरत उतारी गई। जब ये सूरत नाजिल हुई, सूरत उतारी गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये सूरत उनको पढ़कर सुनाई, इस सूरत की उन पर तिलावत की और उन्हें बता दिया कि अल्लाह पाक अहद है, एक है, अल्लाह समद है, गनी है, किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह पाक को ना किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उसे किसी ने जन्म दिया, ना उसने किसी को जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई बराबर नहीं है, कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है। तो जो अहद होता है उसकी शान ये होती है कि वो सबको पैदा करता है लेकिन उससे कोई पैदा नहीं करता, वो खालिक है, पैदा करने वाला है, हम मखलूक हैं, पैदा किए हुए हैं। जो आहद होता है, बेनियाज होता है, गनी होता है, मुस्तगनी होता है मखलूक से, कुल कायनात जिसकी मोहताज होती है, उसे कोई पैदा नहीं करता बल्कि वो कायनात को वजूद देता है, कायनात को मौजूद करता है, कायनात के ईजाद और वजूद का बायस बनता है, वो खालिक होता है, मखलूक नहीं होता। इसी तरह जिसने ना किसी को जन्म दिया, न उसे किसी ने जन्म दिया, न वो किसी का बाप, न वो किसी का बेटा, वो खालिक होता है, वो पैदा करता है, उसे पैदा नहीं किया जाता, वो मखलूक नहीं होता, वो खालिक होता है। और इसी तरह फरमाया अल्लाह पाक ने, लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई बराबर नहीं है। अगर माज़ अल्लाह उसे कोई पैदा करता, वो मखलूक होता हमारी तरह माज़ अल्लाह, तो वो किसी के बराबर होता, किसी की नजीर और मिसाल हो। लेकिन चूंकि उसकी कोई नजीर नहीं है, मिसाल नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसे किसी ने पैदा नहीं किया है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं। खालिक पैदा करता है, उसे पैदा नहीं किया जाता। मखलूक पैदा होती है, मखलूक खल्क में, क्रिएशन में बेबस है, और खालिक पैदा करने वाला है, वो कुल कायनात और पूरी दुनिया को वजूद बख्शने वाला है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी सूरत, सूरह इखलास, उन पर तिलावत की, उनको पढ़कर सुनाई। कहते हैं कि बजाय इसके कि वो खामोश हो जाते, खामोश हो जाते, मान लेते अल्लाह की तौहीद को, इसके कायल हो जाते कि वो सबका खालिक है, उसका कोई खालिक नहीं है, वो सबको पैदा करने वाला है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है,
बजाय तौहीद के कायल होने के उन नादानों ने फिर सवाल किया, कालू सिफ लना रब्बका कैफ अददुहू व कैफ ज़िराउहू। उन नादानों ने फिर सवाल किया कि आप हमें अपने रब के बारे में बताएं कि उसके बाजू कैसे हैं, उसकी कलाई कैसी है। फ़ग़दब अशद मिन ग़दब, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पहली बार भी नाराज हुए थे लेकिन इस दफा पहली बार से ज्यादा नाराज हुए। पहले भी जलाल में आए लेकिन अब हुजूर का जलाल पहले से ज्यादा था। पहले भी नाराज हुए, नाखुश हुए लेकिन अब ज्यादा नाराज हुए। ज्यादा नाराज इसलिए हुए कि उनके सवाल के जवाब में पूरी सूरत उतरी और तफसील से उनके सवाल का जवाब दिया गया, बजाय इसके कि वो उस जवाब को मानते उन्होंने फिर जहालत पे मबनी सवाल किए। और ये सवाल बनिस्बत पहले सवाल के ज्यादा शदीद और ज्यादा सख्तर थे, ज्यादा सख्त थे, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने में आए। और ये गजबनाक होना पहले से ज्यादा हुआ जब हुजूर फिर नाराज हो गए। फाताहु जिब्रील बिकौलिही वमा कदरुल्लाह हक कदर। जब हुजूर फिर नाराज हुए तो जिब्रील फिर कुरान लेके उतरे, फिर कुरान लेकर नाजिल हुए और कुरान की आयत उतारी गई, वमा कदरुल्लाह हक कदरिही। महबूब आप परेशान ना हो, नाराज ना हो, इन नादानों ने अल्लाह को वैसे न पहचाना जैसे अल्लाह को पहचानने का हक है। यानी अल्लाह की पहचान ये थी कि उसे एक मानते, अल्लाह की पहचान ये थी कि उसे समद और गनी मानते, बेनियाज मानते, अल्लाह की पहचान ये थी कि इनका दा के न उसको जन्म दिया न उसे किसी ने जन्म दिया। अल्लाह की कदर ये थी, अल्लाह की पहचान ये थी और अल्लाह का हक ये था कि ये समझते कि अल्लाह के बराबर ना कोई हुआ ना हो सकता है। लेकिन बावजूद इस तफसील के ये अल्लाह को न पहचान सके, अल्लाह की कदर को न पहचान सके, अल्लाह के मुकाम को न पहचान सके, अल्लाह के हक को न पहचान सके, अल्लाह के मर्तबे को और अल्लाह जल्ल मजदहू कि उस अजीम उलूहियत की अजमत को न समझ सके। अब देखें कि अल्लाह जल्ल मजदहू को हुजूर अलैहिस्सलाम का खुश होना कितना अच्छा लगता है और हुजूर का नाराज होना कितना नापसंद है। जब हुजूर नाराज होते हुजूर जलाल में आते, हुजूर अलैहिस्सलाम गजबनाक होते और आपके गजब की आंख आग बड़क उठती तो अल्लाह पाक कुरान उतार देता। पहले नाराज हुए तो पूरी सूरह इखलास उतरी, फिर दोबारा नाराज हुए तो फिर कुरान की आयत वमा कदरुल्लाह हक कदर, ये पूरी जो आयत है सूरह नाम की ये उतरी, सूरह नाम की ये पूरी आयत उतरी। इससे मालूम होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकाम बारगाह इलाही में इतना अजीम है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि इस कायनात हस्तबूद में न उस मुकाम को कोई जान सका न पहचान सका। इसलिए बाज सूफिया कहते हैं तरुल्ला कदरी ही, इससे पहले अल्लाह से पहले मुजाफ महजूफ है और तर्जुमा यह है वमा कदरू रसूल अल्लाह हक कदर ही, कि ये नादा हुजूर को ना पहचान सके जैसे हुजूर को पहचानने का हक था। हुजूर को पहचानना ये है, हुजूर की कदर ये है, हुजूर का मर्तबा और मुकाम ये है कि जो मुस्तफा बता दें उसे आंखें बंद करके मान लें,
अकल माने या न माने, अकल इनकार करे या इकरार करे। हुजूर बता दें कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है। जो कैफियत अल्लाह के रसूल बता दें, आंखें बंद करके उस पर ईमान लाएं। लेकिन ये नादान हैं जिनके जवाब में पूरी सूरत उतारी जा रही है, लेकिन फिर भी सवाल पे सवाल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक हुजूर अलैहिस्सलाम की तुफैल ईद का हमारे दिलों में और सीनों में भी उतारे, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तुफैल अल्लाह पाक अपने मुकाम और कदर को और हुजूर के मुकाम और कदर को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, अपनी मारिफत और अपने हबीब की मारिफत अता फरमाए। चूंकि वक्त खत्म हो गया, इसलिए अगला शान नुजूल आइंदा जुम्मे को बयान होगा। वमा अलैना इल्ला बलाग। صلى الله على سيدنا رسول الله